आई लव प्रियंका. प्रियंका मुझे शुरुआत से ही पसंद है. उसका जो बोलने का तरीका है बहुत अच्छा है, बहुत ठोक के बोलती है वो. और अंकित भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. अब्दू तो है ही. अब्दू कैरेक्टर ऐसा है कि वो सभी को पसंद आ रहा है, बिकॉज उसमें वो कुछ करता ही नहीं है. वो क्यूट है, वो किसी भी डिसीजन में भी नहीं है साथ में. वो बस सामने बैठा हुआ बस ये करता रहता है बस और कुछ नहीं. एंटरटेनमेंट अर्चना अच्छा कर रही है. अब्दू भी एंटरटेनमेंट तो है ही. अब्दू एंड प्रियंका, अगर प्रियंका नहीं होगी तो सीजन के अंदर मज़ा नहीं है. क्योंकि आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो. जैसे अर्शी शिल्पा की जुगलबंदी थी, तो वो अगर नहीं होती तो फिर मज़ा नहीं आता एक तरफ से. और इस सीज़न के अंदर 14 के अंदर भी जो अली गोनी था, अर्शी थी, राहुल था, तो वो ट्रायो था, तो मज़ा था. आई लव प्रियंका. प्रियंका मुझे शुरुआत से ही पसंद है. उसका जो बोलने का तरीका है बहुत अच्छा है, बहुत ठोक के बोलती है वो. और अंकित भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. अब्दू तो है ही. अब्दू कैरेक्टर ऐसा है कि वो सभी को पसंद आ रहा है, बिकॉज उसमें वो कुछ करता ही नहीं है. वो क्यूट है, वो किसी भी डिसीजन में भी नहीं है साथ में. वो बस सामने बैठा हुआ बस ये करता रहता है बस और कुछ नहीं. एंटरटेनमेंट अर्चना अच्छा कर रही है. अब्दू भी एंटरटेनमेंट तो है ही. अब्दू एंड प्रियंका, अगर प्रियंका नहीं होगी तो सीजन के अंदर मज़ा नहीं है. क्योंकि आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो. जैसे अर्शी शिल्पा की जुगलबंदी थी, तो वो अगर नहीं होती तो फिर मज़ा नहीं आता एक तरफ से. और इस सीज़न के अंदर 14 के अंदर भी जो अली गोनी था, अर्शी थी, राहुल था, तो वो ट्रायो था, तो मज़ा था. आई लव प्रियंका. प्रियंका मुझे शुरुआत से ही पसंद है. उसका जो बोलने का तरीका है बहुत अच्छा है, बहुत ठोक के बोलती है वो. और अंकित भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. अब्दू तो है ही. अब्दू कैरेक्टर ऐसा है कि वो सभी को पसंद आ रहा है, बिकॉज उसमें वो कुछ करता ही नहीं है. वो क्यूट है, वो किसी भी डिसीजन में भी नहीं है साथ में. वो बस सामने बैठा हुआ बस ये करता रहता है बस और कुछ नहीं. एंटरटेनमेंट अर्चना अच्छा कर रही है. अब्दू भी एंटरटेनमेंट तो है ही. अब्दू एंड प्रियंका, अगर प्रियंका नहीं होगी तो सीजन के अंदर मज़ा नहीं है. क्योंकि आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो. जैसे अर्शी शिल्पा की जुगलबंदी थी, तो वो अगर नहीं होती तो फिर मज़ा नहीं आता एक तरफ से. और इस सीज़न के अंदर 14 के अंदर भी जो अली गोनी था, अर्शी थी, राहुल था, तो वो ट्रायो था, तो मज़ा था. लोग अलग थलग दिख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? एक ग्रुप खेलना ठीक है या फिर अपना इंडिविजुअल खेलो अगर नाच सकते हैं?